नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती कांस्टेबल की भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षक के 2700 और 5000 तक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी। समाचार पत्रों से ज्ञात हो रहा है कि वर्ष 2021 में भी आरक्षक के 2700 से 5000 तक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जा सकती है। अभी विज्ञापन विभागीय विज्ञापन सीजे पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 पुलिस मुख्यालय से जारी तो नहीं हुआ है, लेकिन जारी होने से पहले ही हम आपकी सुविधा और भर्ती पूर्व तैयारी के लिए सीजे पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2021 के लिए शैक्षणिक योग्यता, फिजिकल टेस्ट, उम्र सीमा, शारीरिक योग्यता, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अन्य आवश्यक जानकारी साझा करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ या नया रायपुर द्वारा जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राज्य के स्थानीय निवासी पुरुष महिला उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट cjpolice.gov.in पर आरक्षक भर्ती के लिए आवेदन पत्र, सीजे पुलिस कांस्टेबल भर्ती ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें पद का नाम होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरक्षक जीटी, आरक्षक चालक, आरक्षक ट्रेड धोबी, आरक्षक ट्रेड कुक, आरक्षक ट्रेड नाई, और यहाँ पे बहुत सारे पदों पर भर्ती होगी। और ये भी यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस रेंज रायपुर के अंतर्गत रायपुर बलोदा बाजार गरिया बंद धमतरी महा समुद्र, और पुलिस रेंज बिलासपुर के अंतर्गत भर्ती होगी, और पुलिस रेंज बस्तर के अंतर्गत भर्ती होगी दोस्तों, पुलिस रेंज सरगुजा के अंतर्गत भर्ती होगी, और पुलिस रेंज दुर्ग के अंतर्गत भर्ती होगी। और सीजे पुलिस के 2021 की रिक्त पदों की संख्या को विभागीय वेबसाइट यानी विज्ञापन सीजे पुलिस कांस्टेबल 2021 की नोटिफिकेशन प्रकाशित किए जाने पर आपको अपडेट दी जाएगी। बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में रिक्त पदों के लिए संबंधित जिले का स्थानीय निवासी होना आवश्यक होता है। इन जिलों में रिक्त पदों के लिए संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले के आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। मैं योग्यता की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं